स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर दैट इज लॉगरिथम। उससे पहले मैं एक बच्चे का क्वेरी सॉल्व करता हूँ, उसने कल मुझे व्हाट्सएप किया था, तो उस क्वेश्चन के बाद आई विल फॉर्मली स्टार्ट विथ लॉग। तो वो क्वेश्चन क्या था, हमारे एग्जाम का क्वेश्चन ही था, विच इज मॉड ऑफ एक्स प्लस वन बाय एक्स ग्रेटर देन टू। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना था। तो एक तो मैंने बताया था, इसके दो मेथड बताए थे उस टाइम, तो अभी मैं कन्वेंशनल मेथड बताता हूँ जो हम रेगुलर यूज करते हैं, और जो एक और मेथड बताया था मैंने, उसका नाम क्या, उसको क्या बोला था मैंने, नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल का सम क्या होता है, टू से बड़ा आता है या माइनस टू से छोटा आता है, वो मेथड अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कन्वेंशनल मेथड डिस्कस कर रहा हूं। तो हम कैसे स्टार्ट करते हैं इन सच क्वेश्चंस, वी आर पुटिंग टू लाइंस लाइक दिस वे। अब क्या लिखा है, मॉड ऑफ समथिंग ग्रेटर देन टू, इसका मतलब मॉड के अंदर जो क्वांटिटी वो क्या होना चाहिए, टू से बड़ी या फिर मतलब यूनियन माइनस टू से छोटी। तो देखा मेरा क्या आएगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स दिस इज लेस देन माइनस टू या फिर मतलब यूनियन एक्स प्लस वन बाय एक्स ग्रेटर देन टू। ठीक है, हुआ ये। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, उन दोनों का यूनियन इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अब क्या करें, सबसे पहले टू को मैं लेफ्ट में लेके आता हूं बिकॉज मुझे राइट में जीरो चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस टू लेस देन जीरो। ध्यान से देखना बच्चों, फिर मैंने क्या किया, एलसीएम लिया, तो यह आया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन बाय एक्स लेस देन जीरो। अच्छा, अब ध्यान से देखें हम न्यूमरेटर पार्ट को, दैट इज नथिंग बट अ परफेक्ट स्क्वायर। किसका परफेक्ट स्क्वायर हो, एक्स प्लस वन का, तो एक्स प्लस वन का स्क्वायर अपॉन एक्स लेस देन जीरो। अब ध्यान से देखना, इसी स्टेप पे उस बच्चे को डाउट था, अब देखना क्या लिखा है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर अपॉन एक्स लेस देन जीरो किस एक्स के लिए होगा, इसको रीड कैसे करेंगे, फॉरगेट अबाउट अदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, केवल अभी इस पे फोकस करो, किस पे मैं बोल रहा हूं देखना ध्यान से, इस वाले पार्ट पे फोकस करो। हमें इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब क्या है कि हमें एक्स की वैल्यूज निकालनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। अच्छा, अब ध्यान से देखें, हम जो न्यूमरेटर पार्ट है वो स्क्वायर ऑफ समथिंग है, तो हमें पता है स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी क्या होती है, स्क्वायर ऑफ एनी रियल क्वांटिटी क्या होती है, इट इज नॉन नेगेटिव। तो इसका मतलब जो न्यूमरेटर पार्ट है, आई एम सेइंग ओनली न्यूमरेटर पार्ट, चलो इधर लिख लेता हूं मैं, ओनली न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर पार्ट है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, अच्छा इक्वल टू को एक मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं, इक्वल टू एक मिनट के लिए हटा रहा हूं, इक्वालिटी माइनस वन पे आ रही है उसको एक मिनट के लिए साइड में रखा, मैंने बोला दिस न्यूमरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो एक्सेप्ट माइनस वन। अच्छा, अब मुझे चाहिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लेस देन जीरो। अब ध्यान से सुनना, न्यूमरेटर क्या है, पॉजिटिव है, ओवरऑल मुझे लेस देन जीरो चाहिए, तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, लेस देन जीरो, तभी तो ऊपर क्या है पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, तभी तो लेस देन जीरो होगा। समझ में आया बच्चों, देखना दोबारा एक बार, और जो न्यूमरेटर में क्या लिखा है, मैंने क्या बोला, इट इज नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, और जीरो को मैंने बोला दो मिनट बाद डिस्कस करते हैं, जीरो जब हो रहा है उस वैल्यू को हम अलग से एनालाइज करते हैं। मैंने बोला न्यूमरेटर जो है हमारा दैट इज ग्रेटर देन जीरो, अब मेरे को चाहिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लेस देन जीरो चाहिए, तो डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, ओवरऑल मुझे नेगेटिव चाहिए, न्यूमरेटर पॉजिटिव हो गया है तो डिनोमिनेटर को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो दिस इंप्लाइज एक्स इज लेस देन जीरो। समझ में आया, अच्छा एक्स लेस देन जीरो तो है, बट अभी मैंने इसमें क्या बोला था, न्यूमरेटर में मैंने माइनस वन को छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि माइनस वन पे क्या हो रहा है, माइनस वन पे ये चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और मुझे चाहिए लेस देन जीरो, तो माइनस वन भी मुझे हटाना पड़ेगा, तो एक्स लेस देन जीरो प्लस क्या लेना पड़ेगा, इसमें से मुझे माइनस वन हटाना पड़ेगा, माइनस कर्ली ब्रैकेट में माइनस वन। समझ में आया, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, लेस देन जीरो मतलब माइनस इंफिनिटी से जीरो और माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस वन। आई होप अब समझ में आया होगा, ठीक है ना, एक बार और देख लेते हैं दोबारा, मैंने बोला न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, चलिए लिख लेता हूं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये मुझे चाहिए था लेस देन जीरो। अब मैंने बोला कि ये तो मेरा क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, एक केवल एक बार जीरो है वो भी माइनस वन पे, उसको मैंने अलग से हटा दिया, बाकी सभी वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए दिस इज पॉजिटिव, ये मुझे नेगेटिव चाहिए न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो इसको क्या होना पड़ेगा, इसको नेगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको नेगेटिव मतलब डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, एक्स, दैट मींस एक्स हैज टू बी लेस देन जीरो, उसमें से मैं क्या हटाऊंगा, माइनस वन, क्यों, बिकॉज माइनस वन पे क्या हो रहा है, दिस इज गेटिंग जीरो, मुझे किसके लिए सॉल्व करना है, लेस देन जीरो के लिए। समझ में आया बच्चों, तो फाइनली मेरा इस पर्टिकुलर केस का आंसर क्या हो गया, नॉट केस, दिस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर इज दिस मच, मतलब माइनस इन्फिनिटी से जीरो ओपन माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस वन। अब हम आते हैं इस वाले पार्ट पे, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, देखना ध्यान से बच्चों, अब क्या करें, टू को हम एलएसएस में लेके आते हैं,
तो क्या होगा हमारा, देखना ध्यान से, एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो एलसीएम लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगे लक्ष्य प्राइम, उधर तो हमारा क्या बना था, एक्स माइनस वन का परफेक्ट स्क्वायर, इधर क्या बनेगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। तो न्यूमरेटर हो गया एक्स माइनस वन का स्क्वायर अपॉन एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब वही कहानी, मुझे चाहिए ओवरऑल ग्रेटर देन जीरो। तो न्यूमरेटर है क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है किसी क्वांटिटी का, स्क्वायर ऑफ एनी क्वांटिटी इज नॉन नेगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव है। अब मुझे ओवरऑल पॉजिटिव चाहिए ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसका मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा है दैट हैज टू बी पॉजिटिव, तभी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो। बट अभी एक मिनट, अभी दिस इज नॉट कंप्लीट, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, वन, क्योंकि वन में क्या हो रहा है, ये चीज जीरो हो रही है, और मुझे क्या चाहिए था, ग्रेटर देन जीरो चाहिए था, हैज दिस माइनस कर्ली ब्रैकेट में प्लस वन। तो ये मेरा कितना हो गया, ग्रेटर देन जीरो मतलब जीरो ओपन से इंफिनिटी माइनस कर्ली ब्रैकेट प्लस वन। तो ये हो गया मेरा इस पार्ट का आंसर, ये इन दोनों का यूनियन। यूनियन क्यों लिया, जो तो पहले ही बताया हमने, ये रहा, जब भी ग्रेटर देन होता है तो हम यूनियन लेते हैं, क्योंकि हम कैसे रीड करते हैं इस चीज को, ये भी मेरा सॉल्यूशन है एंड ये भी मेरा सॉल्यूशन है, ठीक है ना। बिकॉज मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो अगर टू से बड़ी होगी तो भी उसका मैग्नीट्यूड लेने पे टू से बड़ा आएगा, और जो मॉड के अंदर क्वांटिटी लिखी है अगर वो माइनस टू से छोटी होगी, लेस देन माइनस टू होगी, तब भी उसका मैग्नीट्यूड लेने पे टू से बड़ा आएगा, हैज यूनियन ऑफ बोथ दीज केसेस। तो इन दोनों का यूनियन लोगे, ध्यान से देखो, ये बोल रहा माइनस इंफिनिटी से जीरो ओपन, ये जीरो से इंफिनिटी, तो इससे तो ऑल रियल आ गया एक्सेप्ट जीरो, बट माइनस वन और प्लस वन दो और हटाने। तो ओवरऑल मैं क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, इधर मैं आंसर लिख रहा हूं, माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन जीरो टू इंफिनिटी, और इसमें से माइनस कर दिया, क्या मैंने माइनस कर दिया, अपना माइनस वन कॉमा प्लस वन, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस मच बिग, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इतने पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, ऑल रियल नंबर्स में से जीरो हटा देता हूं, इस पार्ट को मैंने लिखा ऑल रियल नंबर माइनस जीरो, और ऑलरेडी मैंने माइनस वन और प्लस वन हटा रखे हैं, तो माइनस वन कॉमा प्लस वन। सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, आई होप आप समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो, और अगर स्टिल इफ यू हैव डाउट फील फ्री टू आस्क मी, ठीक है। अब हम फॉर्मली स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, दैट इज लॉगरिथम। तो स्टार्ट करते हैं लॉग, तो पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो पहले मैं लिख रहा हूं लॉग ए टू द बेस बी, पहली बात इसको हम रीड कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिखो, स्टार्ट करो, दिस इज रेड एज इसको रीड कैसे करते हैं, देखना ध्यान से, क्या लिख रहा हूं मैं, लॉग ए टू द बेस बी, वी आर रीडिंग, कैसे रीड करते हैं इसको, लॉग ए टू द बेस बी, ठीक है। इसको दो बार तीन चार बार अपने मन में बोलो, लॉग ए टू द बेस बी, ठीक है। अच्छा, अब देखना इसको मैंने लिखा कैसे, पहले हम एक बार वो देख लेते हैं। तो देखो, पहले तो मैंने लॉग लिखा एल ओ जी, फिर इसी लेवल पे मैंने लिखा ए, ठीक है, और इन दोनों के बीच में प्लस थोड़ा सा नीचे हम लिखेंगे बी। समझ में आया क्या बोला मैंने, बोला पहले मैंने लॉग लिखा, इसी लेवल पे लिखा ए, और इन दोनों के बीच में और थोड़ा सा नीचे वी आर राइटिंग बी। तो ये क्या हो गया, लॉग ए टू द बेस बी। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में वो ऐसे लिख देते लॉग बी ए, ये सब गलत है, दिस इज द परफेक्ट नोटेशन। लॉग के एकदम सामने तो आएगा ए, उसको हम अभी लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट, और नीचे क्या है ये बी, बी स्टैंड फॉर बेस, वो आएगा लॉग और ए के बीच में और उसके थोड़ा सा नीचे, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। तो इसको लिख लेना, अब हम इसको लिख लेते हैं ए को क्या बोलते हैं। सो दिस ए इज कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग, ठीक है, और जो बी है दिस स्टैंड फॉर बेस ऑफ लॉग, बेस ऑफ लॉग, ठीक है। तो ए मेरा हो गया आर्ग्यूमेंट, बी मेरा हो गया बेस, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या बोला, इसको रीड कैसे करेंगे, लॉग ए टू द बेस बी। अब देख लेते हैं ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, दिस इज अ नंबर, एक नंबर है जिसको अगर मैंने बी की पावर में लिखा, सुनना मैंने क्या, पहले मैं बोल देता हूं उसके बाद में लिखता हूं, मैंने बोला ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैंने बी की पावर में लिखा देन आई विल गेट ए। सुनना एक बार और, लॉग ए टू द बेस बी एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैंने बी की पावर में लिखा तो मुझे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो वही मैं लिख रहा हूं उसको, फिर हम उसको और समझेंगे। तो दिस इज अ नंबर व्हेन
व्हेन रेज्ड, जिसको अगर रेज किया व्हेन रेज्ड ऑन बी विल रिजल्ट इन ए, विल रिजल्ट इन स्मॉल ए, ठीक है। प्लस क्या होना चाहिए हमारा, जो आर्ग्यूमेंट ऑफ बेस है ए कॉमा बी, दिस बोथ शुड बी नॉन नेगेटिव, सॉरी दिस बोथ शुड बी ग्रेटर देन जीरो, पॉजिटिव नॉट नॉन नेगेटिव, जीरो भी नहीं होंगे। सो ए कॉमा बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए एंड बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू वन, बेस को वन नहीं होना चाहिए। दिस इज अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लॉग। एक बार हम बोलते हैं क्या बोला मैंने, एक तो मैं इसको रीड कैसे करूंगा, लॉग ए टू द बेस बी, ठीक है। प्लस फिर मैंने इधर क्या लिखा, ए को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, बी को हम बेस बोलते हैं। लिखते कैसे हैं, लॉग के एकदम सामने तो आएगा ए और लॉग लिखा है, एल ओ जी लॉग लिखा है और ये लिखा है, उसके बीच में आएगा बी और थोड़ा सा नीचे, ठीक है, क्लियर है। फिर मैंने क्या बोला, ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैंने बी की पावर में लिखा, क्या लिखा है, दिस इज अ नंबर व्हेन रेज ऑन बी, अगर मैंने इसको बी के एक्सपोनेंट में लिखा या पावर में लिखा तो क्या बोले क्या होगा, आई विल गेट ए, दैट विल रिजल्ट इन स्मॉल ए। प्लस एक और बात याद करना है, ए और बी क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइंड होगा, अदरवाइज इट इज नॉट डिफाइंड। इससे इसके बारे में हम और डिटेल में देखेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में, डोमेन में, बट फॉर टाइम बीइंग यू कैन रिमेंबर क्या, ए और बी दोनों एक तो पॉजिटिव क्वांटिटी होना चाहिए, प्लस दिस इज इंपॉर्टेंट, बेस कैन नॉट बी इक्वल्स टू वन, ठीक है ना। तो दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लॉग। अब हम इस चीज को मैं थोड़ा एक्सप्लेन, थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं किसके, कि ये मैंने जैसे इधर लिखा कि ये एक नंबर है जिसको मैंने अगर बी की पावर में लिखा तो आई विल गेट ए, तो उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो वीडियो को पॉज करके इतना कॉपी करो, ठीक है, मैं इसको रब करने जा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, आप देखना, log a टू द बेस b क्या है, एक नंबर है, तो मैंने मान लिया लेट्स से दिस इज k, log a टू द बेस b, लेट्स से दिस इज अ k, एक नंबर है। फिर मैंने क्या डेफिनेशन क्या बोला, कि एक ऐसा नंबर है, k एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैंने b की पावर में लिखा तो आई गेट a, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, अगर मैंने इस नंबर को दैट इज k को अगर b की पावर में लिखा, जैसा कि मैंने उधर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा था वो मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूं, क्या बोला मैंने, log a टू द बेस b एक ऐसा नंबर है k, जिसको अगर b की पावर में लिखा b रेस टू पावर k, देन आई विल गेट a। तो ये और ये दोनों एक सही इंफॉर्मेशन है, एक ही सेम इंफॉर्मेशन है, ये हो गया log रिप्रेजेंटेशन। log रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन, एक्सपोनेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन मुझसे इधर मिल रहा है वही इंफॉर्मेशन इधर लिखा हुआ है, ठीक है। सो यू शुड बी इंटर, यू शुड बी फास्ट एंड इंटर कन्वर्टेबल, अगर ऐसा लिखा है तो वी शुड बी एबल टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, और अगर ऐसा लिखा है वी शुड बी एबल टू कन्वर्ट इन दिस फॉर्म, इट शुड बी इंटर कन्वर्टेबल, मतलब फास्ट होना चाहिए। तो किस चीज को मैं लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेते हो तो ज्यादा आसान रहेगा याद करना, क्या लिख रहा हूं मैं देखना ध्यान से, बेस टू द पावर आर एच एस, के क्या हमारा आर एच एस था, इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट, समझ में आया। एक तो मैंने ये लिखा और लॉग वाले को भी लिख लेते हैं इसी फॉर्म में, तो लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट टू द बेस इज इक्वल टू दैट इज आर एच एस, समझ में आया बच्चों। तो ये दो चीज याद रखना, इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, मतलब हमें लॉग से एक्सपोनेंट में आना पड़ेगा, एक्सपोनेंट से लॉग में आना पड़ेगा, वाइस वर्सा। हम अभी कुछ प्रूफ्स भी देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे लॉग के, उसमें ये काफी यूज होगा, ठीक है। तो अब एक बार थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देख लेता हूं मैं, जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, एक चीज और, जैसे हम इसको क्या बोलेंगे, वी आर ओपनिंग द लॉग, या फिर हम जैसे बोलेंगे लॉग को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखना ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लॉग ऑफ लेट से एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव टू द बेस टू इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखा है। तो अब मान लो उसने ऐसा बोला कि सॉल्व दिस, क्या बोला उसने, चलो इसको एक काम करते हैं, चलो इसको मैं एक काम करता हूं, इसको x लिख रहा हूं, अभी समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, और इसको मैं 2 लिख रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने लिखा सॉल्व दिस, ऐसा आया मान लो क्वेश्चन, तो पहला पार्ट क्या होगा, हमें लॉग को रिमूव करना है। अच्छा, अब लॉग को रिमूव करना है तो इसमें क्या लिखा था, लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो इसमें लॉग को रिमूव करने के लिए मैंने क्या बोला कि ये पार्ट लिखो, आर्ग्यूमेंट मतलब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू, फिर क्या लिखा है, बेस की पावर आर एच एस, तो बेस क्या हमारा एक्स और आर एच एस क्या है टू,
समझ में आया, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -5/3, समझ में आया। क्या किया मैंने, केवल लॉक को ओपन किया है, अगेन ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, इसके लिए अभी मैंने जैसे बोला कि जो बेस और आर्ग्यूमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, बट इट इज नेगेटिव, हेंस देयर इज नो सच एक्स फॉर विच दिस इज ट्रू, वो बात की बात है, बट फॉर टाइम भी मैंने बोला था इसको सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यूज निकालना, मेरा एम अभी मेरा एम जो था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए वो ये था, तो मैं अपना क्या बोलते इस स्टेप से स्टेप जाना, दिस वे, अगर लॉग आर्ग्यूमेंट टू द बेस लिखा है तो लॉग को कैसे रिमूव करेंगे, क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस। तो देखो याद करने का एक और तरीका क्या है कि देखो दोनों में बेस तो सेम ही रहेगी, इधर भी बेस है हमारा बी, इधर भी बेस है बी, जैसे मैंने क्या लिखा बेस इधर भी बी है, इधर भी बी है, ठीक है, जैसे छोटा सा जैसे मैंने लिखा लॉग ऑफ, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा एक्स टू द बेस टू इज इक्वल टू लेट्स से 3, तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला इस पार्ट को मैं इधर ही लिखे रहने दूंगा, इज इक्वल टू 2 की पावर 3 विच इज 8, तो एक्स इज इक्वल टू 8 इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे कि मैंने और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 इज इक्वल टू 1, चलो इसको 1 की जगह मैं 2 लिख लेता हूं, तो क्या होगा 3x इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस, तो 3 स्क्वायर विच इज 9, क्लियर हुआ बच्चों। चलो और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 2 इज इक्वल टू लेट्स से 4, तो क्या होगा आर्ग्यूमेंट क्या है मेरा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को इधर लिख रहने दूंगा, फिर बेस की पावर मतलब 2 की पावर 4 विच इज 60, तो x की वैल्यू कितनी आई मेरी +-4, x स्क्वायर 16 है तो x कितना आया +-4, समझ में आया, ठीक है, तो मैं इतना कॉपी करो, आई रब द बोर्ड, और ये लॉग जो है तुम्हारा काफी यूज होगा, इवन फिजिक्स में भी बहुत यूज होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थ्रू आउट द मैथमेटिक्स इसका यूज होगा हमारा, ठीक है। चलो अब मैंने बोला जैसे कि अभी एक्सप्लेन क्या किया था मैंने, जैसे स्टार्ट क्या किया था लॉग ए टू द बेस बी, क्या बोला था मैंने, ये एक नंबर है के जिसको अगर मैंने बी की पावर में लिखा तो आई गेट ए, तो मैंने बोला इन दोनों में यू शुड बी मतलब यू शुड बी फास्ट इन इंटर कन्वर्टेड, लॉग को रिमूव करना है तो हम ऐसे करेंगे, अगर इसमें लॉग लाना है तो हम ऐसे करेंगे, बोथ वे यू हैव टू डू। जैसे मैंने अगर लिखा फॉर एग्जाम्पल देखना, अब मैं उल्टा उल्टा वाला बोल रहा हूं, जैसे मैंने लिखा कि 2q इज इक्वल टू 8, इसको मुझे लॉग के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो अभी बेस क्या है 2 है, तो लॉग में बेस तो अभी भी 2 रहेगा, फिर इधर क्या आता था हमारा पावर में, क्या रहता था हमारे इधर पावर में, के जो इधर लिखा है तो क्या होगा 8 इज इक्वल टू 3, समझना है, इसको ऐसे लिखने का ये तरीका हो गया लॉग में, लॉग 8 टू द बेस 2 इज 3, क्लियर हुआ। जैसे मैंने लिखा 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, तो इसको लॉग के टर्म्स में कैसे लिखूंगा, बेस अभी 8 है तो लॉग की बेस तो अभी भी 8 रहेगी, देखना ये 8 को मैंने इधर कॉपी किया इस 8 को, फिर क्या लिखूंगा मैं 64 इज इक्वल टू 2, क्यों मेरा क्या लिखा था लॉग 8 टू द बेस बी, अगर के है तो बी की पावर के इज 8, तो इधर क्या होता है जनरली इसमें तो बच्चों को कंफर्टेबल होता है लॉग से एक्सपोनेंट में आना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करो अभी आज की आज, ठीक है, इस टाइप के कुछ से एग्जांपल लेके, जैसे जिसकी वैल्यू तुम्हें बताया, जैसे मैंने लिखा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो इसको लॉग के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो बेस इधर 3 है तो अभी बेस भी, अभी तो लॉग का ब्लॉक का तो बेस 3 रहेगा, अब मुझे ये 9 इधर लिखना है इज इक्वल टू 2, ठीक है, आपको सोचो अगर मैं इसको ओपन करता हूं क्या लिखता 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, वही चीज आती, समझ में आया, तो बोथ वे यू शुड बी फास्ट इन इंटर कन्वर्टेड, समझ में आया बच्चों। अब मैं दोबारा फॉर्मल डेफिनेशन जो हमने सीखा था उसके ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं, मैंने क्या बोला था, अब देखना कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोच से हम उसको समझते हैं, देखना मैंने लिखा कि मान लो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया लॉग 16 टू द बेस 4, मेरे को इसकी वैल्यू बता रहा है, तो मैं बेसिक डेफिनेशन यूज करूंगा, मैंने क्या बेसिक डेफिनेशन क्या बोली थी, मैंने लॉग ए टू द बेस की एक ऐसा नंबर है जिसको अगर बी की पावर में लिखा तो मुझे ए मिलेगा, तो मैंने बोला दिस इज अ नंबर लेट्स से के, मैंने के निकालना है मुझे, के एक ऐसा नंबर है जिसको अगर मैंने 4 पे रेस किया तो मुझे 16 मिलना चाहिए, तो कुछ सोचो 4 पे क्या रेस करूं कि मुझे 16 मिल जाए, 2, क्योंकि 4 स्क्वायर इज 16, हेंस के इज इक्वल टू 2, तो इसमें हमने सिंपल जो डेफिनेशन लिखी थी लॉग की उसके आधार पर हमने वैल्यू निकाली के इज 2। जैसे और इलस्ट्रेशन लेते हैं, मैंने लिखा लॉग ऑफ 27 टू द बेस 3,
तो इसको मैं कैसे रीड करूंगा कि 3 पे मैं क्या पावर लगाऊं, ये एक ऐसा नंबर है जिसको अगर 3 की पावर पे लिखा तो आई विल गेट 27। तो 3 पे पावर क्या लिखूं कि मैं 27 मिल जाए, ऑफ कोर्स 3, क्योंकि 3 क्यूब इज 27, हेंस दिस इज 3। क्लियर हुआ? जैसे और एग्जांपल देख लो, लॉग ऑफ लेट्स से 81 टू द बेस 9, फिर मैंने लिखा फिर बेसिक डेफिनेशन से कि 9 पे क्या पावर लिखूं कि 81 आ जाए, वही रिप्रेजेंट करता है लॉग ए टू द बेस बी, क्या होता है दिस इज अ नंबर व्हेन रेज ऑन बी आई शुड गेट 81। तो 9 पे मैं क्या रेज करूं कि 81 मिल जाए, 2, हेंस दिस वैल्यू इज 2। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से आ रहा है। अब थोड़ा सा मैं और थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेता हूं, ये भी ऑब्जेक्टिव से आ जाएगा, वीडियो को पॉज करके तुम लोग पहले खुद से सोचना। मैंने लिखा 2 टू द बेस 4, ये भी सिंपल आईक्यू से आएगा। अभी मैंने एग्जांपल हमने थोड़ा बल्कि नहीं लिए हैं, ठीक है ना, अभी स्टार्टिंग है हमारा, तो अभी बहुत छोटे छोटे एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। तो लॉग 2 टू द बेस 4 तो कैसे करें, तो अगेन सेम बेसिक डेफिनेशन यूज करूंगा, क्या बोलूंगा मैं 4 पे मैं क्या रेस करूं कि 2 आ जाए, क्योंकि ये कैसे क्या बोलते हैं दिस इज अ नंबर के, ये एक ऐसा नंबर है के जिसको अगर बेस की पावर में लिखा, एक्सपोनेंट में लिखा तो आई शुड गेट आर्ग्यूमेंट। तो 4 की पावर में क्या लिखूंगी 2 आ जाए, हाफ, बिकॉज √4 is 2, हेंस के इज इक्वल टू हाफ। क्लियर हुआ बच्चों? 4 पे क्या रेस करूं कि 2 मिल जाए, 4 पे हाफ रेस कर दो बिकॉज √4 is 2, हेंस वैल्यू ऑफ दिस इज हाफ। क्लियर हुआ? अच्छा अब देखें और एक दो एग्जांपल और देखते हैं। लॉग ऑफ मैंने लिखा चलो 2 टू द बेस 64, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा दिक्कत होगा सोचने में कि 64 पे क्या रेस करूं कि 2 आ जाए, बहुत से लोगों को आ भी जाएगा, ऐसी बात नहीं, टफ नहीं है, बट इसका मैं मैथमेटिकल अप्रोच ही बताऊंगा। एक तो बेसिक डेफिनेशन से पहले हम देखते हैं, मैंने बोला 64 पे क्या रेस करूं कि 2 आ जाए, तो पहले तो मैंने क्या किया 64 को 2 के एक्सपोनेंट में लिखा, तो 64 को आई कैन राइट इट एज 2 रेस टू पावर 6। अब ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, 64 को तो मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 6 लिख सकता हूं। अब सोचो कि मैंने क्या बोला कि 64 पे मैं क्या पावर लू, 64 को मैं ये बोल सकता हूं 2 की पावर 6, बोथ आर द सेम थिंग। मैंने बोला कि 2 की पावर 6 मतलब इस नंबर पे मैं क्या रेस करूं कि मुझे 2 मिल जाए, तो इस पे 1/6 रेस कर दूं, क्योंकि अगर 1/6 रेस कर दिया, ये 6 से ये 6 गया, 2 आ गया, हेंस दिस वैल्यू इज 1/6। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने, 64 पे मैं क्या रेस करूं कि 2 आ जाए, तो 64 पे आई रेस 1/6, देन आई विल गेट 2, हेंस दिस आंसर इज 1/6। जैसे एक आध दो एग्जांपल और देख लेते हैं, देखना ध्यान से बच्चों। मैंने लिखा लॉग ऑफ, अच्छा जैसे अभी जो मैंने जो एग्जांपल लिया था उसी को मैं एक बार और देख रहा हूं, देखना अगर मान लो तुम्हें जैसे वो अप्रोच नहीं समझ में आ रहा, तो हम मैथमेटिकल अप्रोच क्या होगी, मैं मान लूंगा लेट्स से दिस इज के, ठीक है, अब ये वाला फैक्ट यूज करूंगा लॉग से एक्सपोनेंट में कन्वर्जन, मतलब दिस वे। तो मैंने क्या बोला कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट को तो इधर लिखते हैं, तो 2 इज इक्वल टू बेस की पावर 64, तो 64 की पावर की। क्लियर हुआ? अभी मैंने क्या किया, ओपन द लॉग, इसको मैं ऐसे स्टेटमेंट बोलता हूं ओपनिंग लॉग, या फिर लॉग को हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, यही दो, ये दोनों ब्रह्मास्त्र है, मतलब ये समझ लो इस चैप्टर का, मतलब बहुत फास्ट होना चाहिए तुम्हारा इंटर कन्वर्शन। और अगेन आई एम सेइंग कि लॉग से इसमें जाना तो आसान होता है, बट इसकी प्रैक्टिस बच्चों को कम होती है इस स्टेप से स्टेप, ठीक है, तो हमें उसकी प्रैक्टिस भी डाल दी है, याद रखना, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं फादर, तो मैंने अभी क्या किया, सिंपली ये वाला फॉर्मूला लगाया, मतलब लॉग को हटाने के लिए आई विल कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंट। अब मैं एक्सपोनेंट में डील कर सकता हूं कैसे, अब देखना क्या लिखा, 2 की पावर 1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिखता 2 की पावर 6 और इसकी होल पावर के है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे अगर मैंने लिखा x की पावर y और इसको होल पावर z लिखा है, तो दिस इज x की पावर y इंटू z, ठीक है। तो ऑन द सेम लाइन आई कैन से दिस विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर 6 के, और इधर लिखा है 2 की पावर 1। अगर बेस सेम है तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूं, ये इसके बराबर होना चाहिए, तो इससे मेरा k क्या आया, 6k इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 6k, k इज इक्वल टू 1/6। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है ना, तो इस तरह से करेंगे, कब, जब हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से मान लो हमें कंफ्यूजन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो हम फॉर्मली फिर मैथमेटिकली स्टार्ट करेंगे। हमने मान लिया लेट्स से दिस इज के, खत्म कहानी, फिर लॉग को हटाया एक्सपोनेंट में कन्वर्ट किया, फिर हमने फर्दर सॉल्व किया। क्लियर हुआ? अब एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिससे हम ऐसे एग्जाम्पल दूंगा जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से बताना थोड़ा सा हार्ड होगा, तो फिर हमें जैसा अभी मैंने बताया वैसे ही करना पड़ेगा।
फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा लॉग ऑफ लेट से 81 टू द बेस 27, ठीक है, मान लो तुम्हें ये क्वेश्चन आया, ठीक है। अब एक वीडियो पॉज करके तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, देखो ऑब्जेक्ट टाइप प्रोसेस थोड़ा दिक्कत होगा, 27 पे क्या रेस करूं कि 81 आ जाए, बिकॉज वन रेस किया तो 27 ही आएगा, टू रेस किया तो वो 81 को क्रॉस कर जाएगा, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में कुछ तो होगा। तो इसको प्रॉपर प्रोसीजर क्या होगा, जैसे मैंने बोला इसको मान लिया लेट से दिस इज के, लेट से दिस इज के, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यही वाला चीज करेंगे, तो कैसे ओपन करते लॉग को, इधर 81 लिखा इज इक्वल टू बेस तो अभी वही रहेगा 27 की पावर के, कैसे लिखा था आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS, ऐसे मैंने उधर लिखा था लैंग्वेज फॉर्म में। अब क्या करेंगे दोनों साइड 3 की पावर्स पे लिख लेंगे, तो दिस इज 3 की पावर 4, 9 से 81 होता है, एंड दिस इज 3 क्यूब, तो 3 क्यूब होल पावर के, तो दिस इज फर्दर इक्वल टू 3 की पावर 3 के। अब देखना 3 और 3 बेस तो सेम है, तो मैं पावर्स को कंपेयर कर सकता हूं, आई कैन इक्वेट द पावर्स, तो उधर से क्या मिला 4 should be equal to 3 के, इधर से क्या कितना आ गया 4/3। तो सोचो फ्रैक्शन में आया, जैसा कि मैंने पहले बोला था 1 और 2 के बीच में आना चाहिए, वो वही हमारा है 4/3। क्लियर है बच्चों? तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे प्रोसीड करेंगे, क्लियर है। एक छोटा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम नया कंसेप्ट सीखते हैं। इसमें देखना मैंने लिखा लॉग ऑफ, इसको ले लेता हूं मैं 125, चलो एक पहले तो मैंने लिया 125 की पावर टू द बेस 15, और एक मैं ले लेता हूं लॉग ऑफ 125 टू द बेस 25। दोनों सॉल्व करते हैं, लेट्स से पहले तो वीडियो पॉज करके उससे ट्राई करो, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, यू ट्राई योरसेल्फ। तो जो सेकंड वाला लिखा है वो तो ऑब्जेक्टिव रेफरेंस से आ जाएगा, कैसे आएगा देखना ध्यान से, बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग से क्या बोला था मैंने, ये एक ऐसा नंबर है जो मुझे निकालना है, वो एक ऐसा नंबर है जिसको अगर 15 की पावर में लिखा तो आई शुड गेट 125। तो कुछ सोचो 15 की पावर में क्या लिखूं कि 125 आ जाए, 2, बिकॉज 15 स्क्वायर इज 225, वेट अ मिनट, तो मैं इसको 2 कर देता हूं, ठीक है ना, इसको ऐसे डिज रख देता हूं, 15 स्क्वायर 225 होते हैं। अब देखना, अब ये चेंज कर लेना, करेक्शन कर लेना, तो ये हो गया 15 220। अब मैं क्या बोला, दोबारा एक बार स्टार्ट करते हैं, मैंने बोला 15 की पावर में क्या लिखूं कि आई शुड गेट 225, तो 15 की पावर में क्या लिखूं, 2 लिख दो, बिकॉज 15 स्क्वायर इज 225, hence this is 2। अच्छा मान लो नहीं सर हमें क्लिक नहीं कर रहा है, ऐसे मान लो नहीं समझ में आ रहा, तो मैथमेटिकली सॉल्व करो, क्या करेंगे, लेट्स से दिस इज k, मैंने बोला log a टू द बेस b k है, तो क्या होना चाहिए, इस नंबर को तो मैंने इधर लिखा, दैट इज 225 इज इक्वल टू 15 की पावर के, मैं 225 को क्या लिख सकता हूं, मैं 15 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 15 की पावर के, तो इधर से क्या है k इज इक्वल टू 2, क्लियर है, वही हमारा डायरेक्ट आ रहा था, ये देखो सिंपली बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग। अब इसको देख लेते हैं, तो इसमें क्या किया, प्रोसीजर से सॉल्व किया, बिकॉज मुझे क्लिक नहीं कर रहा कि 25 पे क्या रेस करो, बिकॉज 25 पे 1 रेस किया तो 25 आएगा, और 25 पे 2 रेस किया तो 25 का स्क्वायर 625 चला जाएगा, इसका मतलब 1 और 2 के बीच में कुछ आने वाला है, ठीक है। तो लेट से मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया लेट से दिस इज के, ठीक है। अब बेसिक डेफिनेशन लॉग को हटाते कैसे है? ये वाला पार्ट मैंने इधर लिखा 125 इज इक्वल टू 25 की पावर के, ये एकदम टेस्ट होना चाहिए, अगेन आई एम सेइंग गिविंग स्ट्रेस की, अभी हम उल्टा उल्टे वाले क्वेश्चन भी करेंगे ऐसे जाने वाले, वो हम यूज करेंगे जब हम क्या बोलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज ड्राइव करेंगे, देन आई यूज दैट पार्ट, तो उस वक्त उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, अभी के लिए तुम्हारा ये प्रैक्टिस होना चाहिए लॉग को कैसे हटाते हैं। तो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS, आर्ग्यूमेंट इसको 10 बार मन में बोल दो, क्या बोलोगे, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS, और मेरा फॉर्मेट क्या है, लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट टू द बेस इज इक्वल टू RHS, इसके बेसिस में मैं इसको कैसे लिख रहा हूं लैंग्वेज फॉर्म में, एक बार और इधर लिख देता हूं, बेस की पावर RHS इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट, लैंग्वेज फॉर्म में याद रखोगे तो जल्दी याद होगा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ए एंड बी। अच्छा अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, तो क्या किया, अब दिख रहा है जो 125 और 25 दोनों 5 के मल्टीपल्स हैं, तो इनको क्या किया 5 के टर्म्स में लिख लिया, तो 125 को क्या लिख सकता हूं मैं 5 × 5 × 5 विच इज 5 क्यूब, और इसको लिख सकता हूं 5 स्क्वायर, तो देखा 5 स्क्वायर होल पावर के, तो ये फाइनली कितना बना 5 की पावर 2 के, और इधर बना 5 की पावर 3, तो बेस सेम है, तो मैं क्या करूं इनको और इसको बराबर कर सकता हूं, तो 3 इज इक्वल टू 2 के, के इज इक्वल टू 3/2, जैसा कि मैंने बोला था 1 और 2 के बीच में कुछ आएगा 1.5 आया, तो क्लियर है बच्चों,
ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसको कॉपी करो। हम अब जम करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज डोमेन। अब हम देखते हैं डोमेन, जैसे कि मैंने बोला तो पहले लिख लेते हैं। अच्छा, डोमेन का मैंने पहले मतलब बताया था, अब हम लॉग के हिसाब से डोमेन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, डोमेन का जैसे चलो एक बार देख लेते हैं। हमने जैसे बहुत से बच्चों को डाउट भी आया था मेरे पास डोमेन से, दोबारा बताइए डोमेन होता क्या है, तो अब सुनिए ध्यान से। डोमेन क्या होता है, मैंने पहले बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन में वो बोल रहा हूँ कि इट इज वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या बोल रहा हूँ मैं, अच्छा मैं एक्स भी अभी यूज कर रहा हूँ। जनरली हमको क्या करना चाहिए, जनरल वेरिएबल के बारे में बोलना चाहिए, बट क्या होता है जनरली हम जो भी एक्सप्रेशन लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर राइटिंग इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इसलिए मैं वर्ड एक्स यूज कर रहा हूँ। तो देखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स की वो सारी वैल्यूज का सेट, कंप्लीट सेट, जिसके लिए मेरा एक्सप्रेशन डिफाइन है। क्या मैंने बोला, वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच माई एक्सप्रेशन इज डिफाइन। चलो लिख लेते हैं, इट इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइन, या फिर द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। इधर एक काम करो, कंप्लीट एड कर लो, द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। जैसे कि मैंने उस टाइम पे एग्जाम्पल लिया था, वही मैं एग्जाम्पल दोबारा ले लेता हूं। मैंने लिखा एक एक्सप्रेशन है एक्स का, लेट्स से 1/(x-4), ठीक है। मैंने बोला इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या बोलता हूं मैं कि एक्स की वो वैल्यूज जो मैं इसमें रख सकता हूं उसका कंप्लीट सेट इज डोमेन। मतलब ऐसे बोल सकता हूं इस शॉर्ट में, चलो इसको इस पूरे को देखना एक शॉर्ट में, छोटे से बहुत शॉर्ट में ले रहा हूं, एक्सेप्टेबल, देखना जैसे इसको भी लिख लेना एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ एक्स, वो जो इंफॉर्मेशन है वो ये ऑलमोस्ट सेम डिलीवर कर रहा है दोनों। एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की एक्सेप्टेबल वैल्यूज का कंप्लीट सेट इज नथिंग बट डोमेन। तो अगर मैंने बोला इधर क्या है डोमेन, तो क्या होगा इधर एक्स क्या क्या ले सकता हूं, एक्स को कुछ भी रखूंगा डिफाइन होगा एक्सेप्ट फोर, क्योंकि फोर पे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, फोर पे क्या होगा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, हेंस फोर के अलावा मैं इसमें सब कुछ रख सकता हूं, इसलिए डोमेन क्या हो जाएगा R-4, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट फोर, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी देखा था। एक चीज और, एक स्क्वायर रूट को और डिस्कस कर लेता हूं, जैसे कि बच्चों का डाउट आया था, मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ इसी को लेता हूं x-4, मैंने कहा इसका डोमेन निकालो। तो मुझे पता है जैसे कि मैंने जब स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी पढ़ाया था तो उसमें लिखा था, हमने पहले दो पॉइंट लिखे थे रूट ऑफ एनीथिंग, दो चीज लिखी थी, एक तो क्या होना चाहिए इसको डिफाइन होने के लिए, ए क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ध्यान रखना मैंने बोला था रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स को डिफाइन होने के लिए अंदर की क्वांटिटी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिकॉज रूट ऑफ इवन रूट ऑफ एनीथिंग, तो जो एनीथिंग है वो क्या होना चाहिए जो अंदर रेखा रूट के, दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब नॉन नेगेटिव होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमने बोला था अगर डिफाइन है तो ये जो क्वांटिटी है ये अपने आप में ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है। देखो अलग अलग चीजें, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोला मैंने कि एक तो मैंने बोला रूट ऑफ कोई भी एक्सप्रेशन एक्स का लिखा है, एक तो क्या बोला इसको डिफाइन होने के लिए एफ एक्स को क्या होना चाहिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए, पहली बात। अच्छा ये तो हो गया डिफाइन होने के लिए ऐसा होना चाहिए, अगर डिफाइन है तो ये क्वांटिटी क्या होती है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है, रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, ये चीज सीखी थी। तो उस हिसाब से मैं डोमेन क्या बोलूंगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे डोमेन क्या बोलूंगा मैं, देखना ध्यान से बच्चों। मैंने बोला डोमेन क्या होता है एक्स की एक्सेप्टेबल वैल्यूज, तो मेरे को चाहिए एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए डिफाइन हो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए ये वाली क्वांटिटी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इससे क्या आएगा x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, मतलब चार या चार से बड़ा नंबर अगर इसमें डालूंगा तो वो डिफाइन हुआ ये एक्सप्रेशन। तो डोमेन इज 4 क्लोज टू इंफिनिटी, ये दो इलस्ट्रेशन मैंने उस टाइम लिए थे। तो एक बार हमारा रिवीजन हो गया, अब हम डोमेन का डिस्कशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लॉग, लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखना जैसा कि मैंने बेसिक डेफिनेशन में यूज किया था, क्या देखो बेसिक डेफिनेशन एक बार रीड करो, मैंने क्या लिखा था लॉग ए टू द बेस बी एक ऐसा नंबर है, अच्छा पहले तो लिखा था इट इज डिफाइंड एज लॉग ए टू द बेस बी, उसके बाद क्या लिखा था इज अ नंबर व्हेन रेज्ड ऑन की व्हेन रेज्ड ऑन बी आई गेट ए, और एक और चीज लिखी थी कॉमा करके, ठीक है ना। अब हम उस पर आते हैं, क्या लिखा था वो चीज क्या थी, चलो लिख लेते हैं दोबारा लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, ऐसे लिख लो चलो फॉर्मली, फॉर लॉग ए टू द बेस बी टू बी डिफाइन, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए तीन कंडीशन है, ध्यान से देखना। फर्स्ट कंडीशन जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज ए
हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू भी नहीं आएगा, लॉग जीरो इज अनडिफाइंड, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। सेकेंड पार्ट इज बेस होना चाहिए, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये दोनों तो बच्चों को याद रहती है। जनरली क्या होता है गड़बड़ थर्ड वाले में, जो बेस है ना वो वन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोले जीरो तो ले लिया फिर वन क्यों अलग से माइनस करें, इसमें वन तो इंक्लूड है ना भाई। ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या होता है, जीरो से इंफिनिटी, उसमें वन तो आएगा लेकिन वन भी नहीं होना चाहिए बेस। तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है अगर, तभी हमारा लॉग डिफाइन होगा। क्या क्या बोला मैं, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू वन। बिठा लो दिमाग में, मतलब क्या लिखूंगा मैं, ऑल थ्री कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, ऑल द थ्री कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। क्लियर है? तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं इसके ऊपर, देखना इसको, वीडियो को पॉज करके इतना पार्ट कॉपी करो। क्या देखोगे, डोमेन अगर पहले वाला डेफिनेशन लिखना है तो यू कैन राइट इट, बट ये वाला पार्ट जरूर लिखना है यहां से जो मैंने लिखा, लॉग ए टू द बेस बी को डिफाइन होने के लिए आर्गुमेंट पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव एंड बेस नॉट इक्वल टू वन, ऑल द थ्री कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, चलो अब आते हैं हम एक छोटे से एग्जाम्पल पे, देखना मैंने लिखा लॉग ऑफ लेट से एक्स माइनस वन टू द बेस फाइव। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला डोमेन निकालो, व्हाट इज द डोमेन, तो डोमेन के लिए क्या बोला था मैंने कि जो बेस होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो है ही, फाइव इज अ पॉजिटिव नंबर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेस वन भी नहीं है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो तीसरी एक और कंडीशन कहती है जो आर्ग्यूमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो अब हम लगाएंगे ये क्या है मेरा आर्ग्यूमेंट, दिस हैज टू बी ग्रेटर देन जीरो, तो मेरा एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, इसका मतलब एक्स शुड बी ग्रेटर देन वन। तो मेरा सेट फॉर्म में कैसे लिखूंगा, एक्स बिलोंग्स टू वन कॉमा इन्फिनिटी। अगर एक्स वन से इन्फिनिटी होगा तभी ये चीज डिफाइन होगी, और डिफाइन होगी मतलब वो मेरा डोमेन का पार्ट होगा, वो एक्स से वो वैल्यूज ऑफ एक्स मेरी क्या होगी, डोमेन होगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अच्छा अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल देखो, जब वीडियो को पॉज करके तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा लॉग ऑफ, इसको मैं उल्टा कर देता हूं, देखना अब मैं इसको उल्टा कर दिया, फाइव और इसको इंटरचेंज कर दिया, देखना आंसर में क्या फर्क पड़ेगा। ये पार्ट कॉपी कर लेना, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसको, देखना मैंने क्या लिखा लॉग ऑफ फाइव टू द बेस एक्स माइनस वन। तो जैसे कि मैंने बोला अभी कि पहला तो क्या था, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो है, फाइव इज अ पॉजिटिव नंबर। उसके बाद एक्स माइनस वन क्या होना चाहिए, x माइनस वन दैट इज बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये तो गया कंडीशन वन। चलो ऐसे लिख लेते, कंडीशन वन क्या थी हमारी, ये कंडीशन वन क्या थी, फाइव ग्रेटर देन जीरो, ये तो हमेशा ट्रू है। सेकंड कंडीशन ये थी, और केस थर्ड, कंडीशन थर्ड क्या थी हमारी, कि जो बेस है, जो मैंने बोला था बच्चे लोग अधिकतर मिस्टेक करते हैं, वो बेस जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू वन। अब क्या बोलूंगा मैं, इन तीनों ये वो x जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे दैट इज नथिंग बट माय डोमेन। अच्छा मैंने बोला वो x जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब क्या है, इन तीनों से जो आंसर आएगा उन तीनों का इंटरसेक्शन, लिख लो इधर इंटरसेक्शन, ऐसे लैंग्वेज में लिख लो इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री कंडीशन, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज थ्री कंडीशन। ठीक है, तो चलो, तो फाइव ग्रेटर देन जीरो इसका तो हो गया आर, मतलब कोई भी एक्स को तो फाइव तो हमेशा जीरो से बड़ा है। तो सेकंड वाला है इसका देखना, एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, तो कितना है एक्स ग्रेटर देन वन। अच्छा और तीसरा वाला है एक्स माइनस वन वन के बराबर नहीं होना चाहिए, तो माइनस वन को उधर लेके आया, तो क्या है एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू टू, देखना वैसे भी अगर इसमें टू डालेंगे तो बेस वन हो जाएगा। तो अब इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तो रियल वैल्यूज का इंटरसेक्शन, तो मतलब ये दोनों ही आने वाले हैं, तो इसको तो मैं हटा देता हूं एक मिनट के लिए। ठीक है, अब x ग्रेटर देन वन है, ग्रेटर देन वन, इसमें बोला ऐसे टू नहीं होना चाहिए, तो टू पे और ओपन आ गया, सो दिस इज माय आंसर। इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, दो तरीके से लिख सकता हूं, वन से टू यूनियन टू से इंफिनिटी, या फिर मैं दिस इज इक्विवेलेंट टू वन से इंफिनिटी माइनस कर्ली ब्रैकेट टू। क्लियर हुआ बच्चों? दिस इज द डोमेन फॉर दिस एक्सप्रेशन या फिर दिस लॉ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, इसके बारे में अभी हम काफी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे डोमेन के ऊपर,
और हम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देखेंगे अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और अगर कोई भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी ऑन व्हाट्सएप।